अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ, नए चैप्टर के साथ मैं आई हूँ आपके पास। जी जनाब, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, वेरी गुड। ओके प्यारे बच्चों, आपको बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड के बारे में। वो कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आपको पता है एक और बेस्ट फ्रेंड थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कौन थे वो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और आपको पता है उनका बहुत जाहो जलाल था, बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा था। इस कदर था कि जब शैतान भी आता था, अगर वो देख लेता था कि हज़रत उमर आ रहे हैं तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता था, उनके सामने नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, तो फिर मुसलमानों को कौन से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा था? लीडरशिप। यस, लीडरशिप का बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज जो है वो मुसलमानों के सामने आ गया था कि अब जो है लीडरशिप कौन संभालेगा। तो फिर आपको पता ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमल्लाहु वजह, ये सब कौन थे? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो फिर क्या हुआ, क्या फ़ैसला किया गया कि उस वक्त सहाबाए कराम ने, तमाम सहाबाए कराम ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि भाई इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो कौन है? हज़रत उमर है। तो क्यों ना हम अपना लीडर ऐसे ही सहाबा को बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो और सही फ़ैसला करने वाला हो, यानी इंसाफ करने वाला हो। तो फिर उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना लीडर बना दिया था, अपना खलीफा मुकर्रर किया था। तो आपको पता है आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर की। ठीक है, और क्या करते हैं हम? सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर से कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स इस तरह के हों जो आप अपनी डेली लाइफ में भी उसका इम्प्लीमेंट कर सकें और आप उसकी, आपको उसकी वोकैबलरी भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आपको उसके माने भी पता चल जाए। ठीक है, चलें अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज़ द नाइट विजिटर। द नाइट विजिटर, से विद मी, द नाइट विजिटर। वेरी गुड, वन मोर टाइम, द नाइट विजिटर। वेरी गुड, द नाइट विजिटर। वेरी नाइस, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स अ न्यू वर्ड्स। लेट्स सी, द फर्स्ट वर्ड इज फूड स्टोर। क्या है? फूड स्टोर, रीड विद मी, फूड स्टोर। वेरी गुड, फूड स्टोर यानी खाने का सामान रखने की दुकान, या फिर जहाँ पर हम अपने जो, जैसे हम गोदाम कहते हैं, बहुत सारे स्टोरेज जहाँ पर हम कर रहे होते हैं, जो भी हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो जिस जगह पर रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? फूड स्टोर। फूड स्टोर क्या कहते हैं? फूड स्टोर। वेरी गुड, अब हम देखते हैं कि इसकी क्या मीनिंग आ रही है। इसकी मीनिंग है शो द पिक्चर ऑफ स्टोर्स इन द होम वेयर पीपल कीप देयर फूड स्टफ फॉर द होल मंथ। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि, आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स होती हैं वो कहाँ पे अपना फूड स्टोर करती हैं? उनके पीछे गोडाउन होता है। जब आप जाएंगे फूड जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि उन्होंने जो अपने एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर रखी हुई हैं, किस तरीके से उन्हें स्टोर किया हुआ है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फूड स्टोर। क्या कहते हैं? फूड स्टोर। वेरी गुड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ लीडर। क्या है? लीडर,
क्या है? लीडर। वेरी गुड। लीडर के क्या माने होते हैं? हुक्मरान, बादशाह, किंग, रहनुमा। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? लीडर। लीडर के क्या मसलें जो आपने देखा है कि लीडर, आपको मैंने बताया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी बहुत बड़े ग्रेट मुस्लिम लीडर थे। फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गए। तो लीडर का क्या मतलब होता है? द वाइस किंग, द वाइस किंग ऑफ ऑल द मुस्लिम्स। ओके, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है कि हमने ये करना है कि हमने अपने घर में सोचना है, आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, अपने मम्मा से हेल्प ले सकते हैं, अपने भाई बहनों से, बड़े जो आपके भाई बहन हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। और क्या करेंगे आप कुछ ग्रेट मुस्लिम लीडर्स की पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, जैसे हमारे पास आ जाते हैं औरंगज़ेब आलमगीर है, और कौन से हैं? महमूद गज़नवी हैं। ये सब कौन थे? ये मुस्लिम लीडर्स थे। तो हम क्या करेंगे, इन सब की पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें वो पिक्चर्स शो करेंगी। यस, और फिर क्या करेंगे, आपने अपने टीचर से उन लीडर्स के बारे में डिस्कशन करनी है। यस, ओके प्यारे बच्चों, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।